हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका, धन्यवाद आपका, कोटि कोटि साधुवाद आपका कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जब मैं गढ़वाल भ्रमण पर गया था तो आप लोगों ने जो मेरे गांव के वीडियो थे या जो अदर वीडियोस थे वो कंटेंट आपको बहुत पसंद आए, बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया आपने मुझे, और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना। अभी बात हो रही है सुमाड़ी गाँव की, सुमाड़ी गांव का ब्लॉग आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुमाड़ी गांव का इतिहास का ब्लॉग देखा थैंक यू सो मच, पंथिया दादा यानी कि पंथिया राम काला जी की कहानी जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं, होना भी चाहिए। वो एक अमर बलिदानी है, उनका जन्म 1686 ईस्वी में इसी गांव यानी कि सुमाड़ी में हुआ था और 1699 ईस्वी में मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने समाज कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और उनके साथ साथ दो लोगों ने उसी अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। पंथिया दादा यानी कि पंथाराम काला ने क्यों अपने प्राणों की आहुति दी, किसके अत्याचारों से प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी मात्र 14 साल की उम्र में, ये बहुत बड़ा बलिदान होता है। 14 साल की उम्र में उनको कितना ज्ञान था, मतलब कितना आहत हुए थे कि मुझे अपनी प्रजा को बचाना है, मुझे अपने गाँव को बचाना है। चलिए कहानी सुनते हैं आगे पंथिया दादा जी के जो वंशज हैं बिमल काला जी के मुंह से। मुझे इतिहास में पंथियाराम काला जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, मुझे भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ बिमल काला जी का जो कि उनके वंशज हैं, उन्होंने पूरी कहानी मुझे बताई और उस कहानी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, धन्यवाद। जुग जुग तक रालो याद सुमड़ी कु पंथिया दादा जी तू बगद्वाल पुरिया ने थाणी बीर गाता मीरू फाड़ू कु देस बावन गढ़ कु देस। पंथिया दादा जी हम काला लोगों के वंश के थे, तो जब ये 6-7 बरस के थे तो इनकी उससे पहले तो इनके पिताजी गुजर गए थे, पिताजी तो इन्होंने देखे भी नहीं थे, और 6-7 बरस की उम्र में इनकी माताजी भी गुजर गई पंथिया दादा जी। अब ये चले गए अपने भाई पूर्णानंद के संरक्षण में, पूर्णानंद की जो धर्मपत्नी थी वो थोड़ा अच्छे स्वभाव की नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि मेरा देवर हमारे साथ रहे, ना उसको ढंग से खिलाना ना उसको पिलाना ना कुछ ना कुछ, गाय बच्चों के साथ भेज देना ना कोई कलेवाना पानी कुछ नहीं। जो माँ का प्यार मिला जो पंथिया दादा जी को इनकी चाची भद्रा भद्रा देवी काला से, भद्रा देवी का जो थी वो डरती थी कि कहीं इसकी भौज अगर हमको देख लेगी कि ये इसको कलेवा दे रहे हैं या इनके घर में जा रहे हैं तो हमको गाली दी, इसलिए लुके छिपे उसको कुछ ना कुछ देती देती थी और ममता का प्यार देती थी। और पंथिया दादा जी की एक छोटी सहेली थी पड़ोस में, वो बगड़ा परिवार की थी, उसके पिताजी श्रीनगर में राजगुरु थे बगड़ा परिवार, तो वो उसकी उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा, जब उसका जन्म हुआ तो माँ खत्म हो गई, उसका नाम था कीर्ति, कीर्ति बहुगुणा। अब कीर्ति बहुगुणा करीब 8-9 वर्ष की जब हुई तो पंथिया के साथ खेलना कूदना वगैरह, उस समय क्या हुआ कि वहां पर 48वां शासक का राज था श्रीनगर। हिस्ट्री ये बताती है कि मेदिनी शाह का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था इतिहास, जिसने भी लिखा इतिहास गढ़वाल थे उन्होंने ये लिखा कि भाई ये मानी ये बहुत अच्छा शासक था, लेकिन अपनी 61वीं वर्ष की जब उम्र हुई उसकी तो अस्वस्थ हो गया, अस्वस्थ होने पर सैया पकड़ ली उसने, राज दरबार चलाने के लिए रानी ने अपने हाथ में ले लिए, नाम तो राजा मेदिनी शाह का था, दस्तखत तो रानी करती थी, और जितनी उम्र पंथिया दादा जी की थी उतनी उम्र उसके लड़के की थी राजा फतेह शाह की,
तो रानी भी उदंड प्रवृत्ति की थी और फतेह शाह भी उदंड प्रवृत्ति का था। इन्होंने बिना राजा को बताए हुए 3 कर लगाई अपने रैयत के अंदर जितने लोग थे। एक तो सूंदी सुपान, जिसके घर में जितनी औरतें होंगी जो सूंद निकालती उतने सुपे अनाराज को उसमें देना। एक चूल कर, अगर माने मेरे 2 लड़के हैं और दोनों अलग अलग खाना बना रहे हैं तो उतने सुपे अन्न, जितने चूल्हे उतने अन्न। और तीसरा कर था दूण खेणी का, राज दरबार का सामान लेने के लिए पैदल यहां से भावर जाओ कोटद्वार, और कोटद्वार से फिर यहां लाओ। कोई पैसा नहीं, कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं, मरो तो मरो पर राज दरबार का सामान आना चाहिए। अब वहां क्या हुआ कि भगवान तो सभी जगह गया होगा, तो हमारे गांव के जो कारा लोगों के थे वहां पर सुखराम वजीर थे राज दरबार में। तो सुखराम वजीर ने गांव वालों से कहा होगा, गांव वालों ने कहा कि नहीं हम इस काम को नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। अब इसमें पंथदार जी का रोल ज्यादा हो गया, पंथा को ना नींद आई है ना कुछ हुआ। वो वहां से अपनी सहेली जो थी वो खेलने वाली कीर्ति बगुना, उसको लेके घर घर में दादाजी चाची बोडी वे ना सब मना कर, क्या कर ले लिया रानी, क्या क्या कर लेगी, हम क्यों दें इसमें। तो लोगों ने कहा कि भाई जब सभी गांव वाले दे रहे हैं तुमको दिक्कत क्या है। उसने कहा कि देखो उनके दादाजी ने हमको ये दान में दी थी, दान में दी हुई भूमि पे करनी होता हाँ। ठीक है, वो कैसे ले रहे हैं, हम नहीं देंगे, विरोध करो। अब विरोध करने लग गए। रानी के दरबार में जो कर्मचारी थे अन्य गांव के, उन्होंने कहा यार सुमारी वाले कैसे बच जाते, अरे उनका सुमारी वाले बचेंगे नहीं, उनका तो मंत्री है वहां, वो पक्षपात करता होगा तो नहीं। अरे उसने ठहर जा मेरी पूछू का रानी का ताबीदार माँ, तो मैं अपनी पूछ माँ बोल रहा हूँ कंदूर माँ डाल देनी है माँ। ठीक, अब वो बात रानी का समय माँ पड़ी, क्या अच्छा सुमारी वाला नहीं जाना है माँ। उसने बोला मंत्री, मंत्री जी क्या बात है, तुम्हारे गांव वाले कोई कर नहीं देते, हमने सुना है। उसका हाँ महाराज क्यों नहीं देते, तुमने पहल नहीं की, समझाया नहीं उनको कि नहीं महाराज उनका तो एक ही कहना है कि हम नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने हमको दान में दी है जमीन। तो उसने कहा देखो कब तक निकल किया उनकी हिगड़ी, हुकूमत का हमारे यहाँ क्या नियम है दरबार का। उसने कहा मृत्यु दंड है, उसका मृत्यु दंड दो। उसने कहा ठीक, फरमान ऐसा निकालो कि कल जो हमारा कहना नहीं मानेगा गांव इन करों को नहीं देगा, वो एक परिवार से एक आदमी हर दिन देगा अपनी तरफ से कि लो इसकी बलि ले लो। हमारे कर्मचारियों उस आदमी को जबरन बोरे में बांध के और भड़गट में डाले, और शर्त यह है कि पूरे गांव के छोटे बड़े सब खड़े रहेंगे वहां पर। अच्छा, ताकि उस माहौल को देखें और दहशत के कारण हमारे कहने में हाँ में हाँ मिला दे, मतलब डर जाएं लोग, डर जाएं लोग। ठीक है, अब यहाँ फरमान आ गया, गांव ने कहा कोई बात नहीं, अरे वो क्या डालेंगे हमको बोरे में, हम स्वयं आहुत कर देंगे, देखते हैं रानी कब तक नहीं जुटती। ठीक, गड्ढा खोदा गया मंदिर के पीछे, वहां जो देवी का गौर का मंदिर था उसके पीछे गड्ढा खोदा गया, कर्मचारी आ गए। उसने कहा किसकी बारी, गांव में बारी लग गई, वह सबसे बड़ा परिवार किसका था, पंचायत जी का, उनका उसकी बारी लगा, तो पंचायत जी की बारी लग गई। अब उससे पहले क्या हुआ कि जब यहाँ पर गर्म गर्मी हो रही थी गांव में, अब डर ये थी कि ना ऐसा ना हो कि राजद्वार तक पंथ की रिपोर्ट पहुंच जाए,
उनके भाई ने सोचा, उसने कहा यार क्या होगा इससे, उसने इस पंथकों को कुछ दिन के लिए अपनी बहन के पास फरार से भेज देते हैं, सिरकोट से आगे पास। तो उनकी बहन तुलसा रहती थी वहां पंथकार, अरे उनका पंथा तो कुछ दिन बयान में चल गया, काफी दिन हो गया नहीं हुआ, मैं तो भी नहीं आ सकी, जरा मैं कभी हाल समाचार कुछ और भी अच्छे लोकल किस्मत में तो कुछ और होता है ना। ठीक, वो जब वहां अपनी बहन के गाय चुगा रहा था, शाम हो गई, गाय बच्चे तो चले गए घर, ये सोया रह गया, उसको नींद की झपकी आई और गौरा भगवती जो है उसके स्वस्थ नहीं, उसने कहा उठो पंथिया, तुम्हें सुमाड़ी चलना है, सुमाड़ी में एक भयावह तमाशा होने वाला है, राजा के कर्मचारी आएंगे और वहां भड़गड़ रुकेंगे, तुमको अपनी आहुति उसमें देना है, जब तुम अपनी आहुति दे दोगे तो वो प्रथा बंद हो जाएगी। अच्छा, रानी कुछ नहीं कर पाए थे, वो रात को चले पंथकार जी यहाँ आए, फरासू से सुबह यहाँ आए, देखा उन्होंने कि कुछ लोग तो खेतों में छुपे हुए, कुछ लोग वहां चले गए डर के मरे हुए खड़े हुए, गड्ढे के चारों तरफ राजा के कर्मचारी खड़े हैं, चले गए, इन्होंने प्रणाम किया भगवती को और उसके बाद अपने लोगों के पास गए, उसका कि माने किसी के परवस में मत रहे, स्वाभिमान से जियो, सीखो स्वाभिमान से जीना, ठीक है, और सबको प्रणाम किया, अपने आप चंप मार आग में भड़गड़ में, और जाने से पहले वो जो कर्मचारी थे उनको कह दिया कि अपने रानी से कह देना तुम्हारा भरा नहीं, तुम क्या डालोगे मुझे बोरे में, अपने आप चंप मार दिया। चाची ने सुना, चाची खड़ी थी वहां, चाची ने भी चंप मार दिया, यार यार पंख चल, ठीक है। ये लड़की जो कीर्ति बहुना थी, ये राज दरबार में श्रीनगर में राजा मेज निशा ने अपने औरत को कहा था कि यार हमारी पुर्जी की लड़की है वहां और अनाथ हो गई, तुम उसको यहाँ दरबार में बुला लो, उसकी परवरिश राज दरबार करे। तो ये चली गई थी वहां, रात को उसको स्वप्न हुआ, वहां से तो पंथादा जी को स्वप्न हुआ, गौरा ने भेज दिया यहाँ, उसको वहां स्वप्न क्या हुआ कि सुमारी के ऊपर चीलें घूम रही हैं और वो मांस के लोथड़े लेके उड़ रही है चारों तरफ, और जब वो उड़ रही थे नीचे रास्तों में लाशें पड़ी हुई हैं और सियार उनको नोच नोच के खा रहे हैं, तो जब उठे तो चिल्लाने लग गई, डरने लग गई बहुत ज्यादा, तो जो बाहर संतरी थे वो दौड़ दौड़ के मंत्री जी के पास गए कि महाराज वहां रो रही है, वो आया, उसने हाँ बेटी क्यों डर गई थी क्या, रात को क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये क्या हो गया, क्यों रो रही है, उसका चाचा जी मुझे ऐसा ऐसा सुनना, उसने कहा तुम्हें बिल्कुल सही स्वप्न हुआ, यहाँ से कल पंथदा जी की बारी है वहां भड़गट में माने उनके परिवार की बारी है, कौन जाता है, उनके भाई जाते हैं, उनके बहुत जाती है, कि कौन जाता है, तो उसने कहा कि मैं इस दुख की घड़ी में अपने गांव के साथ रहना चाहती हूँ, अपने लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ, तो उसने कहा ठीक है, मैं रानी से परमिशन लेता हूँ और एक कर्मचारी तुम्हारे साथ आ जाएंगे, वो कर्मचारी उस लड़की को यहाँ दिया सुमाड़ी में, चाची भी चले गए, पंथा भी चले गए, अब जब इसने देखा कि चाची भी चले गई और पंथा भी चले गया, तो इसने भी वही परिक्रमा की ज्योति की
प्रणाम किया और राजा के कर्मचारी को कहा कि तुम्हारा भाड़ा नहीं, ठीक है। वो भी कूद गई, अब कूद गई। अब यहां से जो कर्मचारी नीचे गए रानी के पास, रानी ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, क्या खबर है वहां? उसने कहा, महारानी जी आपका तो एक आदेश था, वहां अपनी ससे तीन चले गए और भी जा रहे थे लेकिन लोगों ने उनको रोक दिया। उसका देखते हैं कब तक उनकी हिकड़ी ऐसे रहती। शाम को जैसे ही रानी के पास खाना आया, ठीक, वो जिस खाने को छुए उसमें कीड़े अच्छा। अरे उनका क्या है, ये कैसा खाना बना दिया? जो खाना बनाने वाले खंसा में थे उनको सारा केस में डरवा दिया, रानी थी, ठीक। उसने कहा दोबारा बनाओ, दोबारा बन के आ गया खाना। अब जो दोबारा ला रहा था उस कोई कर्मचारी ने रानी से कह दिया, उसका महारानी जी माफ कर ले, खाने बनाने में दोष नहीं है, आप जब छू रहे हैं खाने को तब विकृति आ रही है इस खाने में। इसने कहा मैं कैसे मान सकता, हमारे हाथ को क्या हो? इसने कहा तो देखिए, वो कांच के गिलास में पानी लाया, उसने दिखाया, उसने कहा दूर से देखिए इसको, उसमें खून और कीड़े हैं? इसमें तो नहीं। उसने कहा नहीं है, जैसे उसने छुआ वैसे उसमें खून और कीड़े। अरे उसने कहा क्या हो गया, ठीक। अब उसके परेशानी हो गई, ना वो खाना खा सका, ना वो राजा मेदिनी शाह खा सका, ना फतेह शाह खा सका, ये जैसे छुए उसमें विकृति आ जाए खाने। अब उनका क्या होगा भाई, अब किसी ने कह दिया कि तुम तुषारी को बुलाओ, बच्चा अब बच्चा के ढूंढो, ये पौड़ी के पल्ली तरफ एक बुडोली गांव। कौन सा गांव? बुडोली। बुडोली बुडोली, अच्छा बुडोली, ठीक है। खंडोलिया जो ऊपर खंडोलिया था, हाँ, उसके पल्ली तरफ है वो गांव। अच्छा, बैक साइड। अच्छा अच्छा, वहां था तांत्रिक रोला, अच्छा। उसको बुलाया गया दरबार। अच्छा, अब चले गया वो, रानी बैठी हुई गया, उसका प्रणाम, उसका हाँ भाई तुम तांत्रिक हो? हाँ। उसने कहा भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो, बता सकते हो कोई क्यों? उसने कहा महारानी जी आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे किसी सामान्य आदमी को पूछ, मैं भी अपने समाज में जो मुझे पूछते हैं मैं उनके लिए गुरु हूं, आप पूछ रहे हैं तो आप मुझे गुरु का स्थान दीजिए। बैठिए, एक आसन आ गया, उसने कहा आप बैठिए। तो उसने कहा अब एक थाली में मेरे सामने बैठो, यहाँ एक थाली लाओ और उसमें चावल लाओ, अपने मुट्ठी से एक चावल मेरे हाथ में रखो, जब मैं उनको खिलाऊंगा अपने हाथ से तब मैं पता करूंगा ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। मतलब उछालूंगा जैसे बच्चा उछालते उचाल, हैं जैसे क्या उछालते, ठीक। तो उस भाषा में बोलते हैं मोती खिलाना, मोती खिलाना जा बच्चों की भाषा में, मोती खिलाना। अच्छा अच्छा, तो बैठी, उसने एक मुट्ठी चावल दी, उसने खिलाया, उसका महारानी जी आपके ऊपर ब्रह्म हत्या लग चुकी है। अच्छा, उसने कहा इसका निवारण, उसका इसका निवारण तो मैं कुछ नहीं बता सकता, पर हाँ मेरी बुद्धि ये काम कर रही है कि अगर आप सुमाड़ी में जाके जहां ये आपने नरबलि ली है, इन तीनों का आप जागरी से उनको अवतरित कराओ, वो गांव के लोगों पे अवतरित होंगे, मतलब हंत्या जाहुण बुदन है, हंत्या जाहुण बुदन हंत्या, तो आप उन लोगों से माफी मांगन, अगर वो माफ कर दे होंगे तो यह विकृति तो दूर हो जाए, ब्रह्म से तो नाली, पर जो भोजन में विकृति होनी से यह तो तब यार करो इस काम को, वहीं चलो और वहां सुमाड़ी में करो। अब सुमाड़ी में आए गए साहब, रानी भी है, फतेह साहब भी, राजन कनवाओ सुध बीमार जाए,
बीमारी से अब है कि नहीं हम गड़बड़ लग गए। अब जब गड़बड़ लगने लगी तो अब तरह सुगे रानी बोले कि भाई माफी नहीं दिया हम तक उसका नहीं माफी लायक तो नहीं। एक शर्त है ब्रह्मचर्य तो रहेगी क्योंकि वो तो टल नहीं सकती। तो आप ऐसे करेंगे कि राज दरबार की तरफ से हमारा पूजन हर पौष मास में आप यहाँ करवाएंगे गांव में। अच्छा अपने खर्च में राज दरबार के खर्च में ये पूजा होगी। अच्छा हमको आमंत्रित करोगे हमारा तर्पण श्राद्ध करोगे और ये तो निपट जाएगा खाने में विकृति पर ब्रह्मचर्य तब ये चलता रहा 300 कुछ वर्ष तक यहाँ राज दरबार की तरफ से चलता रहा। अच्छा अच्छा ये जब वहां चले गया ये ब्रिटिश गढ़वाल बन गया वहां टेरी में टेरी राज बन गया। केवल 500,000 रुपए नहीं दे सके थे यहाँ गढ़वाल के राजा ने अंग्रेजों को 500,000 रुपए में शर्त हुई थी कि 500,000 रुपए देने पड़ेंगे तब हम गोरखा रोकेंगे। नहीं दे सके उसने कहा 500,000 उसने कहा नहीं 500,000 नहीं। तो उसने कहा अंग्रेज थे उसने कहा दो फाड़ कर गढ़वाल नदी पार तो चले जा मतलब पौड़ी उसने अंग्रेजों को दे दिया और टेरी को खुद रहने लग गया। तो ये तब से माने अब जब वो राज दरबार भी चले गया वो हो गया उनके वर्ष खत्म हो गए तो तब तो ये गांव ही इनकी वो करता है पूजा करता है अब जनवरी में होगा। तो ये हमारे दादाजी थे और स्वर्गीय पंथ्याराम काला जी। हाँ पहले हमारे पिताजी पे आता था पहले दादाजी पे आता था फिर पिताजी पे आया फिर पिताजी के ताऊ जी पे आया। अच्छा। ताऊ जी के बाद पिताजी पे आया पिताजी के बाद हमारे भाई साहब अब गुजर गए। हाँ। तो उन पे आया। हाँ। उसके बाद तब मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा हंत्या पे आती है मतलब उनकी। हाँ। अच्छा अच्छा चलो राजाओं पर जन्म ही के मतलब ये तो उन्होंने बोला था ना कि तुम्हारे वंश को कौन होगा राजा के। अच्छा उनके अभी तक सभ्यता होता है अभी तक जो अच्छा ये जो राजा की जो वंशज है। हाँ। अच्छा ये तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे वंश में कोड़ो। अच्छा उनको श्राप दिया था मतलब श्राप दिया था। अच्छा ये कहानी चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका खराब कह जाए हमें सुन गया टाइम छे। अब यहाँ पे ये जो डोली रखी आपने बैग में इस डोली के बारे में जरा थोड़ा बता दो मुझे। हाँ ये डोली ऐसे है कि ये डोली अभी हमारे यहाँ शीर्ष पे गोलक पर्वत के शीर्ष पे नागराजा का मंदिर है वहाँ। अच्छा वहाँ पहले भी एक नारायण की मूर्ति स्थापित कर रखी है। अच्छा तो उससे बड़ी मूर्ति आ रखी है देहरादून में। अच्छा तो उस मूर्ति के लिए ये डोली बनाई हुई है इस डोली में रखी जाएगी वो तब जाएगी फिर वहां जाएगी। अच्छा 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 नागरजादार। अच्छा तो ये है वैसे यहाँ पर जो है सारे पुण्य काम धीरे धीरे अब परिचय बढ़ता जा रहा मेरा काला जी से और आप एक्स आर्मी रिटायर्ड पर्सनल भी हैं और एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। यहाँ पे ये जितनी भी पेंटिंग है मकान बने ये सब पेंटिंग काला जी ने अपने हाथ से बना रखी है ये सामने। वाह आप तो बहुत वाकई में बहुत कलाकार भी हो। ये गंगोत्री धाम का है ये पौड़ी से जो दिखता है हिमालयन रेंज गढ़वाल हिमालय और ये सुमाड़ी गांव। अच्छा सुमाड़ी दर्शन। अच्छा आपने तो काफी कुछ संजो कर रखा है आपने। अच्छा ये भी आपने बना रखी है ये। अच्छा ये मूर्ति कला। हाँ ये हमारे चीड़ के जंगलों में जो दीमक की मिट्टी मिलती है। अच्छा 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 हाँ 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 जब पेड़ खत्म हो जाता है मैंने अपने कट के बराबर। अच्छा राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की मूर्तियां बना रखी है। अच्छा
तो वो करीब 20-25 वर्ष तक यहाँ मंदिर में रही। अच्छा, तो इनके मंदिर में जी 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 टूट फूट हो गए तो विसर्जित। काला जी ने बिमल काला जी ने ऐसी बनाई है ये जो पेंटिंग है, ये अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सही में तो उनका जो फेस है और उनके जो पैर है मेरी तरफ है, और अगर मैं यहाँ जाता हूँ इधर इस ट्रायंगल पे इस एंगल पे तो उनके पैर बिल्कुल मेरी तरफ हो रहे हैं, उनका चेहरा भी मेरी तरफ है। अगर मैं लेफ्ट हैंड में जाता हूँ इधर इस तरह यहाँ पे इतनी दूरी पे, तो वाकई में उनके पैर मेरी तरफ आ रहे हैं और उनका जो फेस है वो भी मेरी तरफ है। इट्स अमेजिंग, बहुत अमेजिंग यार वाकई में। ये हैं इनके भाई साहब स्वर्गीय श्री सुरेंद्र प्रसाद काला जी, सेम है वही, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ पैर मेरी तरफ है फेस मेरी तरफ है, अगर मैं इस एंगल पे आ जाता हूँ इस तरफ तो इस तरफ भी पैर मेरी तरफ आ रहे हैं और फेस भी मेरी तरफ आ रहे हैं, और अगर मैं दूसरी साइड जाऊं इस तरफ यहाँ एकदम किनारे पे यहाँ कोने पे ये यहाँ पे, तो वाकई में वो पैर फिर मेरी तरफ आ रहे हैं और फेस मेरी तरफ आ रहा है। ये इतनी पेंटिंग का कमाल है बिमल काला जी का, और आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे जानकार हैं। सुमाड़ी का इतिहास आपने मुझे सुना दिया, पंथा दादा का इतिहास आपने मुझे बता दिया, और राजा की कहानी आपने मुझे बता दी, और इतनी अच्छी आपने कलाकारी करके, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, पौड़ी तो खैर अंग्रेजों को बसाया है या मतलब क्या इतिहास है पौड़ी का भी? पौड़ी का इतिहास तो कुछ नहीं है, अंग्रेजों के टाइम पर है बना हुआ है, 1815 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा अच्छा, बस। और आप पौड़ी रंदन? तो क्या आपका डिपार्टमेंट में आप? उद्यान विभाग। उद्यान विभाग, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप फिलहाल आजकल लिखा है आजा सुमड़े आजा? हाँ, पुराना घर पर। पुराना घर पर आजा, हाँ पितरों घर चोर क्या। चलो ठीक ठीक ठीक। कितना खूबसूरत लिखा है काला जी ने, सुख तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुमने पुण्य किया है, लेकिन शांति तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितनी घरवारी चाहिए।